बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्यों स्टॉक्स की तरफ आया, और ज़रूर आप लोगों को ये सुन के जो मेरी स्टोरी होगी उससे इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शो करूँ, क्योंकि लर्निंग की के बाद आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, मैं आप लोगों को आज अपनी स्टोरी बताऊँगा कि मैं किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आया। तो चीज़ें बताने से पहले, आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने से पहले यही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं, कुछ टाइम पहले मैंने जिस टाइम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की, ऑल दो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं ACCA मेंबर हूं, MSc इकोनॉमिक्स की हुई है, तो मुझे इन चीज़ों की नो हाउ थी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता था, फंडामेंटल्स तो मेरी फिंगर टिप्स पे थे, क्योंकि जितना भी बुकिश नॉलेज होता है ACCA, अगर किसी का उससे बैकग्राउंड है तो उसको पता होगा कि ACCA में सारी इन्वेस्टर रेशियोज और सिनेरियो के साथ समझाया जाता है कि किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती हैं कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज को। तो मेरा यही था कि मुझे कुछ टाइम पहले एक भाई मिले, वो स्टॉक एक्सचेंज में, मुझे बड़ा फैसिनेट किया उन्होंने, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 10-15 सालों से इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी, उनका वास्ट एक्सपीरियंस था। तो वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि यार तेरा फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मेरा फाइनेंस और ऑडिट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप इसकी तरफ आए तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो उन्होंने मुझे ले आए मार्केट में, ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाया, वो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। मैंने ब्रोकर के थ्रू जिस टाइम अकाउंट अपना ओपन किया, छोटी इन्वेस्टमेंट लेके आया स्टॉक एक्सचेंज में कि समझूं चीज़ों को कि किस तरह से मार्केट चलती है। तो मुझे जब फर्स्ट डे जैसे मैं पैसे डाल चुका अपने जो अकाउंट था उसमें डालने के बाद, तो मुझे वो भाई दोबारा मिले उन जो मुझे स्टॉक एक्सचेंज में लेके आए थे। तो मुझे उन्होंने एक दो चीज़ें बताई थी कि कभी कभी जो मार्केट होती है वो जो जितनी भी बिग फिशेज होती हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को चला रही होती हैं, अगर इंडिविजुअल्स मार्केट को समझेंगे नहीं तो वो लॉस की तरफ जाएंगे। तो मोस्टली आप लोगों में से भी अक्सर लोग, अक्सर क्या 100% मेरे ख्याल से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की होगी और उनको कभी ना कभी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि नुकसान के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, हर इन्वेस्टर को लॉस हो रहा होता है, मुझे भी लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो फ्यूचर की हैं वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो हम लोग वॉरेन बफेट तो आया नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारा माइंड चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, टेक्निकल्स एक्यूरेटली करेंगे या फंडामेंटल्स को एक्यूरेटली देखेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है, प्रेडिक्शन होती है। ऑल्दो वॉरेन बफेट को भी लॉस हुआ होगा एक टाइम पे जिस टाइम उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो मुझे उन्होंने ये चीज बताई थी, अब मुझे के मार्केट जो बिग फिशेज हैं वो चला रही होती है, उन्होंने ये बात बताने के बाद जब मुझे ये चीज समझ आई कि ये क्या वजह थी कि ये बिग फिशेस क्यों मार्केट को चला रही होती हैं। अब ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को टाइम ना लगे ये चीज़ें समझने में। अब होता क्या है कि जो छोटे मार्केट कैपिटल की कंपनीज होती हैं, जो छोटी मार्केट कैपिटल, जिनका मार्केट कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता, उनके साथ ये खेलते हैं, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके साथ खेलते हैं, क्योंकि जब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ला के छोटी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी में डालेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जिस टाइम उसकी शेयर प्राइस, शेयर की जो डिमांड है बढ़ेगी, जो छोटा इन्वेस्टर, जो हम जैसा इन्वेस्टर होता है, वो जिस टाइम देखेगा कि यार ये शेयर प्राइस ऊपर जा रही है और ये मजीद ऊपर जा सकती है, क्योंकि लालच का जो एक एस्पेक्ट है वो हर किसी के माइंड में होता है कि लालच होती है कि यार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऊपर ऊपर मजीद जाता जाएगा, तो इन्वेस्टर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट फेंक डालता जाता है उस शेयर में, छोटे मार्केट कैपिटल की कंपनियों में डालता जाता है, जिस टाइम उसको लगता है कि काफ़ी शेयर प्राइस ऊपर चली गई है, इससे मजीद ऊपर नहीं जा सकती, वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेता है। जिस टाइम वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालता है तो जो छोटा इन्वेस्टर होता है जिसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो उस लॉस में चला जाता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि यार आप लोग, जो मुझे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार आप टेक्निकल्स की तरफ क्यों नहीं जाते, ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल्स मेरी फिंगर टिप्स पे है, मैं आप लोगों को जो भी इन्वेस्टर रेशियोज हैं हम लोगों ने स्नैरियो के साथ पढ़ी हुई है, अगर आप लोगों में से किसी को ACCA का बैकग्राउंड है तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, या CA से रिलेटेड जिसका बैकग्राउंड है उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ये रेशियोज मैं हर पेपर में पढ़ाई जाती हैं तो हमारी फिंगर टिप्स पे होती हैं, हमें मुश्किल नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह ये फंडामेंटल्स को समझना। मैं जिस टाइम आप यही रिकमेंड करता हूँ कि जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं, क्योंकि इन ब्लू चिप कंपनीज का या जो मार्केट कैपिटल जिन कंपनीज का ज्यादा होता है उनके साथ ये जो
बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो खेल नहीं सकते, और जो छोटा इन्वेस्टर है उसको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसका मार्केट कैपिटल ही इतना ज्यादा होता है कि बड़ा इन्वेस्टर अगर उसमें पैसे डाले या निकाले तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती उसकी जो शेयर प्राइस है ऊपर नीचे होने में। तो ये मेरी स्टोरी थी, आप लोगों को जरूर इससे फायदा हुआ होगा, मैंने लॉस भी किया है प्रॉफिट भी बनाया है। मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा अपना ट्रेडिंग टर्मिनल दिखाऊं, छोटी इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट से ही आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें चलती हैं, किस तरह से चीजों को न्यूज अफेक्ट कर रही होती है, ये इन्वेस्टर के ये जो सेंटीमेंट्स है वो कहां पे जाते हैं न्यूज से रिलेटेड। आज आप लोग देख सकते हैं कि आज हालांकि बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस थी, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग देख सकते हैं कि 203.6 केएससी 100 इंडेक्स नीचे आया है। तो ये आप लोगों को मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कोरोना वायरस की वजह से, अब बजट की मजीद कंफ्यूजन आ गई है कि बजट में किस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ये कंफ्यूजन चल रही है। ये आप लोगों के साथ मैं कुछ न्यूज जो मैं हर दफा हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग मार्केट को समझें, जो बिग फिशेस जो काम कर रहे होते हैं वो छोड़ें और आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को वैसे बना लें कि आप लोग अगर किसी स्टॉक को पिक करते हैं, अच्छे से पिक करते हैं, फिर उसके बाद जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं अगर वो देखते हैं तो आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह उससे प्रॉफिट होगा। आईएमएफ ने अब मजीद अब जो टारगेट था पाकिस्तान का नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन का वो ऑलमोस्ट 4700 बिलियन रुपीज का था, लेकिन आईएमएफ ने प्रेशर डाला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि बजट में जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो इंक्रीज किया जाए और 575 बिलियन रुपीस मजीद बढ़ाए जाए और टैक्स कलेक्शन इतनी मजीद बढ़ाई जाए। तो ये ऑब्वियसली एक प्रेशर आया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे उसने हिट किया है। तो ये एक न्यूज बनी है, ये आप लोग पढ़ें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं रिकमेंड करता हूँ ये आप लोग पढ़ें। और जो बिजनेसमैन है, पिछले दिनों आपने 15 मई को सुना होगा कि जो मैंने जिस पे वीडियो भी बनाई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1% इंटरेस्ट रेट नीचे लिया है, 9 से 8 पे लेके आए हैं। तो मजीद जो बिजनेसमैन है वो ये वो इसको माइनर सा कट समझ रहे हैं और इससे ज्यादा वायदा नहीं समझ रहे और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक मजीद नीचे लेके आए और वो प्रेशर डाल रहे हैं स्टेट बैंक के पे ऊपर के वो मजीद नीचे लेके आए इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि इन हालात में जिस टाइम कोरोना वायरस बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है तो मुश्किल हो गई है बिजनेस एक्टिविटी को चलाना, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी बहुत कम है और कंपनीज के प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट कट मजीद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक नीचे लेके आएगा। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसने आज जो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को हिट किया है, ये आप लोग देख सकते हैं, बजटरी पॉलिसीज इन टाइम्स ऑफ वायरस। अब ये जो चीज है आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो बजट होता है या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, मार्केट को बहुत ज्यादा हिट कर रही होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई मेजर रिलीफ मिलने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, जो COVID-19 की वजह से एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, ये भी रिकमेंड करूंगा आप लोग जाके पढ़ें एक्सप्रेस ट्राइब्यून पे, कि एक तो एक्सपेक्टेशंस थी कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक रिलीफ देगी बजट में, लेकिन ये जो आर्टिकल है जो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग ये पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसको मीट नहीं कर सकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो आने वाला बजट है उसमें यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता, जितने भी बिजनेसेस हैं उनको टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है गवर्नमेंट। और सर्कुलर डेट कि ये जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर कर रहा हूँ, ये जो सर्कुलर डेट के बारे में, अब ये आप लोग देख सकते हैं, सर्कुलर डेट एंड इकोनॉमिक मॉन्स्टर, इट्स मीन कि सर्कुलर डेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो इस दफ़ा अगेन पाकिस्तान का बजट डेफिसिट में जाएगा और मजीद पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बुरे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है पाकिस्तान की। और फिर उसके बाद जीडीपी, ऑब्वियसली जो एक प्रोडक्शन कम होती है तो जीडीपी कम हो जाता है, जीडीपी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पिछले दिनों, और ये ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन्वेस्टर्स के लिए। और आप
कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि वो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ओवरऑल अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे, एक साल में अगर लेके मार्केट को देखेंगे, तो शायद की बात है कि मार्केट ऊपर जाए, और ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है, बजट में उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो वो जो पिछली इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, MSCI का रिटेन हुआ था स्टेटस, उसने इतना ज़्यादा इसी वजह से इफेक्ट नहीं किया था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस तरह के नहीं है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ले सकें। तो आज की वीडियो में ज़रूर आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूं, तो मैं कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से कैंडलस्टिक में कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, ग्राफ में कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। ये चीज़ें जो एक बिगनर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को भी मोस्टली नहीं पता होता, तो मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप लोगों को उन चीज़ों से भी पता लगे कि किस तरह से मार्केट चलती है। तो अभी तक इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। अल्लाह।